मेवात में किसानों के मुआवजे को लेकर आपका अहमद विधायक ने सरकार को सुनाई खरी खोटी। बता दें, नूह जिले के किसानों को पिछले कई सालों से फसल खराबे का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, जिससे किसान पूरी तरह से नाराज है। किसानों की नाराजगी को लेकर स्थानीय विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस नेता आफताब अहमद का कहना है कि ऐसे प्रतीत होता है कि मौजूदा भाजपा सरकार और भाजपा की सोच किसान विरोधी है। मुआवजा 3 साल तक जिले में आने के बाद वितरित नहीं होना और हमारा चार चार विधानसभा सत्र में लिखित तरीके से देना, मौखिक तौर पर कह देना। मैं समझता हूं कि किसानों की इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये किसानों की बात नहीं है, किसानों का भी आंदोलन हुआ तो किस तरह से 3 कृषि काले कानून को गुणगान किया गया और किसानों को संघर्ष था और किसानों ने बड़ी कुर्बानी दी थी। तकरीबन 800 किसानों ने अपनी जान आंदोलन के दौरान गंवाई थी। तब कहीं जाकर 13 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी और 3 कृषि काले कानून को भी वापस लिया था, लेकिन इनकी सोच में बदलाव नहीं आया। किसानों की चाहे मुआवजे की बात हो, आफताब अहमद ने कहा है कि सरकार हर वर्ग को परेशान कर रही है। आप देख रहे हैं नुकमेवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी की सोच जो है वो किसान विरोधी है। मुआवजा 3-3 साल तक यहां जिले में आने के बाद वितरित ना होना और हमारा चार चार विधानसभा सत्रों में लिखित देना और उसका मौखिक इनके सामने कह देना, तो मैं समझता हूं कि किसानों की इन्हें परवाह है ना किसी चीज के लिए। और ये किसानों की बात नहीं, किसानों का कभी आंदोलन हुआ तो किस तरीके से 3 कृषि कानूनों के इन्होंने उसके गुणगान किए थे, किसानों का संघर्ष था और उन किसानों के ने उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी। 800 किसानों के तकरीबन अपनी जान गंवानी पड़ी उस किसान आंदोलन में, और जब जाके 13 महीने बाद प्रधानमंत्री ने माफी मांग के वो 3 कृषि कानून वापिस तो लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया, चाहे वो किसानों के मुआवजे की बात हो, चाहे मैं कहूंगा कि राज्य सरकार की जो है परिवार पहचान पत्र, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात कर ले, चाहे पोर्टलों पे और बात कर ले किसानों के संबंधित, आज क्या जरूरत पड़ गई कि आज इनको जब जनता ने आईना दिखा दिया कि आज सब पे उन पे किसी पे समाधान हो रहा है, किसी को बंद करने की कर रहे हैं, किसी पे एनओसी को खत्म कर रहे हैं, अब तो जनता इनके इस खेल को समझ चुकी। और इन्होंने परिवार पहचान पत्र नहीं जो है परमानेंट परेशान पत्र बना के रख दिया था इसका, और लोग इससे त्रस्त हैं। लेकिन इन्होंने पूरे 5 साल अपने गुणगान करते रहे और पूर्व मुख्यमंत्री तो का तो एक फेवरेट सब्जेक्ट था कि वो हर एक विधानसभा सत्र में और हर एक भाषण में अपनी मुंह से अपने जो है गुणगान करते थे इन प्रोजेक्टों का, लेकिन वास्तविक तौर पर उन्हें ना समझ आई थी और आज भी समाधान शिविर बना के भी मैं समझता हूँ जनता की परेशानी दूर नहीं हुई है और यह सरकार वास्तविक उसमें नहीं जी रही है, अपने ख्याली पुलाव में और खाली जो है अपने उसमें बना के राजकाज में अपना मस्त थी, अपना भ्रष्टाचार और इनको कुछ नहीं दिखा ना इनको परेशानी दिखी। मैं समझता हूँ हरियाणा की जनता अब इस चीज को सब समझ चुकी है और किसानों ने तो जहां इस परेशानी को इसके राज में झेला है, कभी खाद नहीं मिला, थानों में खाद बटा, कभी फसल की जो है उसका जींस का उचित भाव नहीं मिला, अगर मंडी में गए तो मंडी में धक्के खाने पड़े, कई कई दिन तक उसकी खरीद नहीं हुई और कई मंडियों में तो हमारे यहाँ तो सरसों की और बाजरे की खरीद ही नहीं होती किसी चीज के लिए। तो इस किसानों के प्रति इस सरकार का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है, इनको बर्बाद करने का है। आय दुगनी करने की बात थी 2022 तक, लेकिन आय दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी कर दी और परेशानी कई गुना बढ़ा दी। मैं तो कहता हूँ ये सरकार का सबसे बड़ा विफलताओं का अगर वो होगा तो किसानों और किसानों के प्रति और आमजन के प्रति उनकी परेशानी को ना समझ पाना और उनकी परेशानियों को अपनी खूबियों की तरह से गाना, ये सबसे बड़ी इनकी जो है जो या जो इनका नतीजा है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार इस बात का आता है। शहीद खान भाई जी, किस तरह से बरसात नहीं होने से किस तरह से फसलें खराब हो रही हैं,
क्या कहना? बरसात नहीं आने से तो फसल खराब होंगी। पहला भी हमारा मुआवजा नहीं मिला जो पहला का है। अब नहर में पानी नहीं आता, नहर में पानी आए तो हमारी फसल तैयार हो जाए, ऊपर से बरसात नहीं हो पा रही है। तो किस तरह से क्या क्या जो है फसलें बोई है तो सरकार को हमारा मुआवजा देना चाहिए, होने के कारण हमारी फसलें सूख रही हैं, नहर में पानी नहीं आता, फसलें सूखेंगी फिर कहाँ जाएंगे लोग?